नमस्कार जी, उसे पूछना सकते हैं। हाँ जी सर, वो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अभी सिम पर दो रिचार्ज है, तो अभी अगर वो पहला वाला खत्म होगा तो दूसरा वाला उसी दिन से स्टार्ट होगा क्या? तो गाइस, अगर आपका कोई भी सिम में दो रिचार्ज हो गया है, यानी डबल रिचार्ज हो गया है, समझ लीजिए आपका एक रिचार्ज कर लिया है और गलती से या आप बाय मिस्टेकली दूसरा रिचार्ज भी कर दिया, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा एक रिचार्ज का तो चलेगा लेकिन दूसरा का शायद ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी सिम वालों ने ये एक मतलब अच्छा टेक्निक रख दिया है कि जब आपका वो रिचार्ज ख़त्म होगा तभी आपका दूसरा रिचार्ज एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब उसका पूरा वैलिडिटी आपको मिलेगा जिस दिन से उसका मतलब आपका पुराना वाला ख़त्म होगा। जिस दिन आपका पुराना रिचार्ज ख़त्म होगा उसी दिन जो नया रिचार्ज है वो मतलब एक्टिवेट हो जाएगा और आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगा। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है और कैसे आप एकदम उसका फ़ायदा ले सकते हो और आपका कोई भी पैसा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका एयरटेल ऐप है तो एयरटेल का थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वोडाफोन ना तो वोडाफोन का एक ऐप होगा तो वो डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरा जियो है, मैं आपको जियो से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देख ले, जियो में आ गया। तो जियो में आने के बाद आपको आपका नंबर से लॉगिन कर देना है, आप अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। आपका जिस नंबर पे आपने रिचार्ज किया है यानी डबल रिचार्ज किया है वो नंबर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली से क्या करना होगा, ये देख लीजिए, इधर पे डबल रिचार्ज हो गया था मेरा भी इसलिए, तो ये देख लीजिए योर रिचार्ज वॉज सक्सेसफुल। तो इधर पर आपको क्या करना है, आपको ये थ्री लाइन देख लीजिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको थ्री लाइन दिखाई दिया होगा, तो उसमें करना है क्लिक। तो इधर पे थ्री लाइन पे करना होगा क्लिक, वेट कर दीजिए, मैं इसको वेट करता हूँ। तो थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको इधर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा माई प्लान्स, तो माई प्लान्स में आपको क्लिक करना है और इधर पे आपका जो भी प्लान्स है वो सिंपल से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चाहे तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेरा अभी वो वाला एक्टिवेट है, तो ये वाला एक्टिवेट नहीं है, तो मैं इसको अगर एक्टिवेट करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, कंफर्म मारने से भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं और आपको पूरा फुल वैलिडिटी मिलेगा, किया जा सकता है और इसकी निगरानी की जा सकती है। कृपया इस कॉल के बाद 5 के पैमाने पर जियो सा अपने अनुभव को रेट कीजिए, जहाँ 1 स्टार का मतलब खराब और 5 स्टार का मतलब उत्तम है। नमस्कार जी, उसे पूछना सकते हैं। हाँ जी सर, वो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अभी सिम पर दो रिचार्ज है, तो अभी अगर वो पहला वाला खत्म होगा तो दूसरा वाला उसी दिन से स्टार्ट होगा क्या? उनके साथ मल्टीपल रिचार्ज होते हैं फर्स्ट टाइम पे। हाँ, लाइन पे बोलिए। मल्टीपल रिचार्ज होते हैं फर्स्ट टाइम पे, दो रिचार्ज होते हैं, फर्स्ट रिचार्ज अप्लाई करता है जो अदर रिचार्ज क्यून में लग जाता है। ये प्लान के साथ बेनिफिट तभी होंगे जैसे जब आपकी करंट प्लान की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहले वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद ही चलेगा दूसरा वाला, निश्चिंत रहिए आप। और पूरा 28 दिन का मिलेगा ना? निश्चिंत रहिए, ठीक है। पूरा वैलिडिटी मिलेगा तो बिल्कुल जितनी वैलिडिटी पूरी मिलेगी, ठीक है। नहीं, यही कंफ्यूजन के 5 की रेटिंग का स्कोर होगा, 5 की रेटिंग हाईएस्ट होगी, 1 की रेटिंग लोएस्ट होगी। फीडबैक देते से ज्यादा मदद करेगा, आशा करता हूं सर्वे जरूर देखो। जीएम कॉल करने राज, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है।